इस्लाम धर्म में मक्का मदीना को पवित्र जगह माना जाता है, लेकिन क्या हिंदू धर्म के भगवान शिव भी मक्का मदीना में मौजूद हैं? आखिर उनके शिवलिंग को लोगों के द्वारा पत्थर क्यों मारा जाता है? इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि कोई भी गैर मुस्लिम मक्का मदीना नहीं जा सकता है। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि मक्का में स्थित शिव के लिंग को अगर कोई पानी चढ़ा दे तो इस्लाम धर्म को मानने वालों में हाहाकार मच जाएगा? क्या है इसके पीछे का सच? तो वेलकम टू द नॉलेज इज एवरीथिंग। अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम बताने वाले हैं मक्का मदीना का इतिहास और इसका हिंदू धर्म के भगवान शिव से संबंध अपनी आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव का मक्का मदीना जैसे पवित्र स्थल से क्या रिलेशन है, इसको जानने से पहले हम मक्का मदीना के इतिहास को जान ले। वैसे इस्लाम को मानने वाले लोग इस पवित्र जगह के बारे में बहुत बारीकी से जानते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता है तो जान ले कि मक्का मदीना दो ऐसे शहर हैं जो अरब देश सऊदी अरब में पड़ते हैं। और कहा जाता है कि ये स्थल इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, जहाँ पर करोड़ों लोग हज करने जाते हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले दुनिया में कई देश हैं। कहा जाता है कि अगर कोई इस्लाम को मानने वाला इंसान अपने जीवन में एक बार इस स्थल का दर्शन कर लेता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वो सारे तकलीफों से मुक्त हो जाता है। अगर हम इसकी तुलना हिंदू धर्म से करें तो उसमें भी कहा जाता है कि अगर कोई चार धामों की यात्रा कर लेता है तो उसके सारे संकट और जीवन में किए गए पाप धुल जाते हैं। इसके अलावा उसे अपने जीवन मरण से मुक्ति मिल जाती है। इस्लाम धर्म के आने के बाद कई ऐसी बातें होती हैं जो हिंदू और मुसलमान के बीच एक दीवार खड़ी कर देते हैं, और इन्हीं बातों में कहा जाता है कि हिंदू धर्म के भगवान शिव को मक्का मदीना में कैद करके रखा गया है। इसके अलावा इस्लाम धर्म के इस स्थल में शिव के लिंग को पत्थर से मारा जाता है। इस बीच ये भी बात निकल कर सामने आती है कि अगर कोई मक्का मदीना में स्थित शिवलिंग को हिंदू धर्म को मानने वाला जल चढ़ा दे तो शिव जी बंधन से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन शिव जी की मुक्ति के बाद इस्लाम को मानने वाले लोगों पर आफत आ जाएगी। ये तो रही लोगों के द्वारा कही जाने वाली बात, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? इस बात को इंटरनेट पर कई माध्यमों से बताया गया है। इस्लाम धर्म को मानने वाले करोड़ों लोग हर साल हज की यात्रा यानी इस पवित्र स्थल की यात्रा जरूर करते हैं, चाहे वो लोग इस जगह से कितनी भी दूर क्यों न हो। लोगों के हुजूम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्थल का कितना ज्यादा महत्व है। इस्लाम धर्म में मस्जिद को अल्लाह का घर कहा जाता है और यहीं पर बैठकर मुसलमान मक्का मदीना की ओर झुककर नमाज पढ़ते हैं। अगर भारत में स्थित मुस्लिमों की बात करें तो मक्का मदीना भारत के पश्चिम में पड़ता है, इसलिए यहाँ के मुसलमान पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज अदा करते हैं। इस्लाम धर्म के इस पवित्र स्थल के प्रति लोगों की दीवानगी इसके इतिहास से जुड़ी है। इस्लामिक ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि एक बार हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने सपने में आकर दर्शन दिए और हजरत इब्राहिम से उनकी सबसे खास चीज की कुर्बानी देने के लिए कहा। कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम की सबसे प्यारी और खास चीज उनका इकलौता बेटा था जो काफी सालों के बाद पैदा हुआ था। हजरत इब्राहिम की उम्र भी बुढ़ापे की ओर बढ़ चली थी और इस बुढ़ापे को सहारा देने वाला सिर्फ उनका बेटा था, लेकिन अल्लाह अपनी बात पर अटल रहे। आखिर हजरत इब्राहिम अल्लाह की बात को टाल न सके और दिल पर पत्थर रख कर बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। कुर्बानी के लिए जब वो जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक शैतान मिला जिसने हजरत इब्राहिम से कहा कि तुम ऐसा क्यों करने जा रहे हो, तुम्हें अल्लाह की बात नहीं माननी चाहिए, आखिर तुम अपने बुढ़ापे के सहारे को ऐसे कैसे मार सकते हो और तुम्हारा आगे का जीवन कैसे चलेगा। इन बातों को सुनकर एक बार तो हजरत इब्राहिम को धक्का लगा और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसी पल उनके दिमाग में आया कि जो मुझे सीख दे रहा है वो शैतान है और अल्लाह अपने नुमाइंदों को कभी भी परेशान नहीं कर सकता। अगर अल्लाह ने मुझसे कुछ कहा है तो वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा सोचा होगा। हजरत इब्राहिम के जुबान पर तो ये वचन थे, लेकिन उनका शरीर कांप रहा था। उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि बेटे की कुर्बानी को देख सके, इसलिए बेटे की कुर्बानी के वक्त उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली और चाकू लेकर अपने बेटे की ओर बढ़े। तभी वहाँ पर एक चमत्कार हो गया। कुर्बानी के लिए अल्लाह ने बेटे की जगह एक बकरे को रख दिया, क्योंकि अल्लाह हजरत इब्राहिम के बुढ़ापे का सहारा छीनना नहीं चाहते थे।
अल्लाह हजरत इब्राहिम की उनके प्रति लगाव की परीक्षा ले रहे थे और इस परीक्षा में हजरत इब्राहिम ने साबित कर दिया कि वो अल्लाह के लिए अपने जीवन को भी कुर्बान कर देंगे। हजरत इब्राहिम जब अपनी पट्टी खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उनका बेटा सही सलामत खड़ा है और उसके बगल में पड़े बकरे की उन्होंने बलि दे दी। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया और उन्हें अब एहसास हो गया कि अल्लाह उनकी परीक्षा ले रहे थे। और तभी से इस कुर्बानी पर ईद उल अजहा त्योहार इस्लाम धर्म में मनाया जाता है, जिसमें बकरों की कुर्बानी दी जाती है। अब हम आपको उस शिवलिंग पर पत्थर मारने की कहानी से रूबरू कराते हैं, जिसमें कहा जाता है कि ये शिव का लिंग है। बता दे कि मक्का मदीना में कोई भी शिवलिंग नहीं है। इस स्थल पर बना ये खम्बा उस शैतान का प्रतीक है, जिसने हजरत इब्राहिम को कुर्बानी रोकने के लिए कहा था। और शिव को पत्थर मारने की बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भगवान पूरे संसार को चलाता है, जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, उसे कौन पत्थर मार सकता है? ऐसा करना तो दूर कोई सोच भी नहीं सकता है। सैकड़ों सालों से हम सब हिंदू और मुस्लिम भाइयों की तरह रहते हैं और हमारे बीच प्यार और दोस्ती थी, लेकिन कुछ लोगों के भ्रम फैलाने से दोनों धर्मों के बीच दूरियां हो गई। इस संसार की रचना ईश्वर ने की है, ईश्वर एक ही है, लेकिन कुछ समय से लोगों ने ईश्वर और अल्लाह दो बना दिए हैं। अगर ईश्वर एक ही है तो फिर अल्लाह के पवित्र स्थल पर हिंदू धर्म के भगवान शिव को कैसे कैद किया जा सकता है? इस बात का तो कोई सवाल नहीं उठता, ये सिर्फ लोगों का भ्रम है। बता दे कि इस्लाम धर्म 7वीं शताब्दी में इस दुनिया में आया था और इस धर्म को सबसे पहले मोहम्मद साहब ने बताया था। कहा जाता है कि अल्लाह ने मोहम्मद साहब के सपने में आकर इस धर्म के बारे में शिक्षा दी और उन्हें दुनिया में इस धर्म का प्रचार करने के लिए कहा। असल में मोहम्मद साहब की कब्र मदीना में है और उनका काबा मक्का में है, जिसे इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र कहा जाता है। जब कोई हज यात्रा करने जाता है तो उसकी यात्रा तभी पूरी होती है जब वो इस काबा की परिक्रमा करते हैं और काबा के पास बने उस शैतान को पत्थर मारते हैं। इस बात का दावा किया जाता है कि शैतान को पत्थर मारने से उस इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और अल्लाह की बातों को वो अपनी आत्मा में बसाता है। इस बात को वास्तव में कहा ही नहीं गया है कि उस खम्बे पर बने पत्थर पर जल चढ़ाने से इस्लाम धर्म के लोगों पर आफत आ जाएगी। वास्तव में वहाँ पर कोई भी शिवलिंग मौजूद ही नहीं है और इस बात का कोई तथ्य भी नहीं मिलता है। पत्थर मारने की प्रथा की शुरुआत हजरत इब्राहिम के समय से ही शुरू हो गई थी। ज्यादातर लोग हज की यात्रा बकरा ईद के वक्त करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बकरा ईद के वक्त अगर कोई शैतान को पत्थर मारता है तो उसकी हज यात्रा सबसे सफल मानी जाती है। वैसे मुसलमान साल में किसी भी वक्त मक्का मदीना की यात्रा कर सकते हैं। इस्लाम धर्म में कुरान को सबसे पवित्र किताब माना जाता है और इस किताब के अनुसार कहा जाता है कि अगर कोई मुसलमान आर्थिक रूप से मजबूत है तो उसे अपने जीवन में एक बार हज की यात्रा करनी चाहिए। लेकिन अगर गैर मुसलमानों के मक्का मदीना जाने की बात करें तो कोई भी गैर मुस्लिम मक्का मदीना नहीं जा सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी इंसान को इस्लाम धर्म में विश्वास नहीं है तो वो इस पवित्र स्थल पर नहीं आ सकता। ऐसा सिर्फ इस्लाम धर्म में ही नहीं है, अगर हिंदू धर्म में देखा जाए तो कई ऐसे बड़े मंदिर हैं जहाँ पर गैर हिंदू नहीं जा सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जिसे उस मंदिर के देवी या देवता में विश्वास नहीं है वो उस मंदिर में नहीं जा सकता है। ये मंदिर अपनी महिमा के लिए जाने जाते हैं, जिनसे श्रद्धालुओं का गहरा संबंध है, और यही बात इस्लाम धर्म के पवित्र स्थल मक्का और मदीना पर लागू होती है, इसलिए वहाँ पर गैर मुसलमान की एंट्री मना है। आज के समय इंटरनेट पर कई ऐसे तथ्य दिए रहते हैं जिसका इस्लाम धर्म के इस पवित्र स्थल से कोई लेना देना नहीं है। इसके बारे में दुनिया में कई गलत बातें फैलाई गई हैं जो सरासर झूठ है। इस्लाम धर्म में इस जगह को ट्रस्टफुल माना जाता है, गैर मुसलमान इस जगह पर न पहुंच पाए इसके लिए वहाँ की सरकार चौकस व्यवस्था रखती है। ये स्थल काफी सुंदर और इफेक्टिव है। दुनिया भर के मुसलमान ज्यादातर बकरा ईद पर इकट्ठा होते हैं और ये मुसलमान दुनिया के कोने कोने से आते हैं और अपने पवित्र स्थल के दर्शन करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब कर लें।